हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स का प्रयोग हम लोग इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग मॉडल्स बहुत ही बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। मॉडल्स क्या होता है, प्रोनंसिएशन क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, मॉडल्स में क्या क्या आता है, एवरीथिंग हम लोग आज सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। मॉडल्स होता क्या है, सबसे पहली बात तो हम लोग इसका प्रोनंसिएशन देखते हैं कि प्रोनंसिएशन क्या है, इसे हम लोग पढ़ते क्या हैं। इसे हम लोग पढ़ते हैं मॉडल्स, ना ही इसे मॉडल्स पढ़ेंगे ना ही इसे मॉडल पढ़ेंगे, इसे हम लोग को पढ़ना है मॉडल्स, मॉडल्स। ठीक है, एक और मॉडल होता है, अब देखे होंगे, जानते होंगे आप मॉडल। स्पेलिंग आपको याद रखनी है, यहाँ पे ए एल है और यहाँ पे ई एल है। तो जो ये मॉडल, इसका प्रोनंसिएशन होता है मॉडल और इसका अर्थ होता है नमूना। ठीक है, हम लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है मॉडल्स के बारे में। ठीक है, मॉडल्स होता क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स जो होता है वो हमारा वर्ब होता है। वर्ब में भी कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब होता है। आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, आप मॉडल्स को ये सब भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मॉडल जो है वो हमारा वर्ब होता है। वर्ब में भी कौन सा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ब जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होता है, जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो रहा होता है, जो पर्टिकुलर कार्य होता है, उसे ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, हंसना, गाना, तो जो भी ये काम हो रहा होता है वह मुख्य क्रिया में ही आता है, मेन वर्ब में ही आता है। और जो दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, वह जो होता है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंसेस बनाने में। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब जो होते हैं वो टेंसेस के अकॉर्डिंग आते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। और ये हमें बताते हैं कि वाक्य जो है वो किस काल में है, कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कि फ्यूचर में है। तो ये सारे जो होते हैं ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये टेंस में इस्तेमाल होते हैं और मेन वर्ब की हेल्प भी करते हैं। उसी तरीके से ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये भी सेंटेंसेस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। ठीक, कुल हमारे 13 मॉडल्स वर्ब होते हैं, हमें कुल मिलाकर के 13 मॉडल्स वर्ब पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड, शैल, विल, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। ठीक है, ये हमारे 13 मॉडल्स हैं। हम लोग सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। एक ही दिन में मैं आपको सारा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर एक साथ ही हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि कन्फ्यूज़न होगा और हमें चीज़ें कम समझ में आएंगी। अगर हम एक एक पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ये जो हमारे मॉडल्स वर्ब हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो हैं कर्ता के मूड को दर्शाते हैं, कर्ता के फीलिंग को दर्शाते हैं। मूड का मतलब है मनोदशा, मनोभावना, फीलिंग, इच्छा को दर्शाते हैं। ये जो हमारे मॉडल्स हैं ये जो है कर्ता के फीलिंग्स को दर्शाते हैं, कर्ता के मनोदशा को दर्शाते हैं, कर्ता की मनोभावना को दर्शाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लीजिए, कैन, कैन जो है वो एबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, क्षमता को दर्शाता है। अगर आप सूट की बात करिए तो आप एडवाइस का होता है कि दैट तुम्हें ये करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि मैं खेल सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैन का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो एबिलिटी को दर्शा रहा है। कर्ता मैं जो है, मैं की एबिलिटी दर्शा रहा है, मैं की इच्छा दर्शा रहा है, मनोभावना दर्शा रहा है, फीलिंग दर्शा रहा है कि मैं खेल सकती हूँ, मैं यह काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले। अगर आप सूट की बात करिए, जैसे कि तुम्हें फिल्म नहीं देखनी चाहिए,
ठीक है, जैसे ये हमारा वाक्य है, ये जो वाक्य है किसी को एडवाइस कर रहा है, किसी को सजेस्ट कर रहा है कि दैट तुम्हें फिल्म नहीं देखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी हमारी फीलिंग को ही दर्शा रहा है कि हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, शुड का प्रयोग करेंगे, ये भी हमारा मॉडल हो जाएगा। You should not watch film. ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग एक एक करके एक एक मॉडल्स पढ़ेंगे ताकि हम लोगों का एक एक मॉडल्स क्लियर हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी कि एक ही दिन में सारे मॉडल्स पढ़ा दूँ आपको और आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाए। नहीं, हम लोग एक एक मॉडल्स पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एकदम क्लियर करके, ताकि आगे चलकर आपको मॉडल्स फिर से ना पढ़ना पड़े। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए आपके दिमाग में कि मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उनका कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे वाक्य आते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। ये जो टॉपिक्स है मॉडल्स, ये हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैन से। कैन हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं कैन। आज हम लोग कैन को समझते हैं, बाकी के मॉडल्स हम लोग सेपरेटली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैन का प्रयोग हम लोग सकना के अर्थ में करते हैं, या फिर कैन का प्रयोग एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है, या फिर अगर किसी वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं आता हो विद एबिलिटी को दर्शाते हुए अगर किसी वाक्य के अंत में आता है तो वहाँ पे हमें कैन का प्रयोग करना है। ठीक है, रूल हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस कांट या फिर कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा बनेगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं बता दे रही हूँ, अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एच फैमिली हमारी सबसे पहले आ जाएगी, देयर आफ्टर कैन, देयर आफ्टर सब्जेक्ट, अगर नॉट है वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। यहाँ पे अंग्रेजी बोलना एक एबिलिटी को दर्शा रहा है कि मैं यह कर सकती हूँ। ठीक है, आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझिए, नहीं तो वाक्य के अंत में सकती हूँ आया हुआ है, यहाँ पे हमें कैन का प्रयोग करना है। सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, बहुत सिंपल वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, जैसा कि मैंने आपको मे माइट में पढ़ाया था कि आज्ञा देने और लेने के लिए हमें मे का प्रयोग करना है, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने कैन का प्रयोग किया है। अगर आप चाहें तो इसमें मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट यू मे हेल्प मी, बट हाँ ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी एबिलिटी को बता रहे हैं कि या फिर आप आज्ञा दे रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपके बोलने पर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अगर आप उस व्यक्ति की एबिलिटी को दर्शा रहे हैं तो वहां पे कैन का प्रयोग करिए, अगर आप आज्ञा देने की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप मे का प्रयोग करिए। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। सो यू कैन हेल्प मी। नेक्स्ट है, वो तुम्हें पढ़ा सकता है। ही कैन टीच यू, ही कैन टीच यू, तुम बदला नहीं ले सकते हो। निगेटिव में है हमारा स्ट्रक्चर, सकते हो आया हुआ है, एबिलिटी को ही दर्शा रहा है। यू कांट, आप चाहे तो कांट का इस्तेमाल करें या फिर आप कैन नॉट का इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि कैन नॉट का जब भी इस्तेमाल करें, अगर रिटन की मैं बात कर रही हूँ, सो कैन नॉट को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, मतलब जो एन डबल एन जो होता है, जो एन एन होता है वो हमारा पास में होता है। ठीक है, सो कैन नॉट टेक रिवेंज, यू कांट टेक रिवेंज। नेक्स्ट है, क्या वह ऐसा कर सकता है, कैन ही डू लाइक दिस, कैन ही डू लाइक दिस। नेक्स्ट, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, यू कांट डू लाइक दिस टू मी, कांट डू लाइक दिस टू मी। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा कैन का स्ट्रक्चर था। ऐसे ही आगे और भी मॉडल्स हैं जो हम लोगों को आगे पढ़ने हैं, तो हम एक एक मॉडल्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे और भी मॉडल्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक और बात,
जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको पढ़ने के साथ साथ बोलना भी पड़ेगा। जितने भी सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, आपको उन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लगातार बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आप मेरे ख्याल से बोलना शुरू कर चुके होंगे। अगर आप नहीं अभी शुरू कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से अभी आप नहीं कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको सच में इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको क्या करना है, शुरू करना होगा आज ही। चाहे कैसे भी, चाहे गलत ही बोलिए, चाहे कैसे भी बोलिए, आप प्रोनंसिएशन की चिंता मत करिए, आप ग्रामर की चिंता मत करिए, आप वोकैब की चिंता मत करिए। जो भी इंग्लिश आपको आ रही है आप अपने मुँह से बोलिए, क्योंकि सब कुछ शुरू होता है बोलने से ही। आपकी टंग पे इंग्लिश बैठनी चाहिए, आनी चाहिए। तो आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश जरूर करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।